नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा और बन के ही रहेगा। ऑप्शंस के लिए मैं काफ़ी सारी अल्टीमेट गाइड अभी वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ और अभी बारी है अल्टीमेट गाइड टू ऑप्शंस वोलाटिलिटी। ऑप्शन की दुनिया में हमारे माइंड में क्लेरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर पे, इवन टीवी की चैनल में, बुक्स में नॉलेज बहुत मिल जाएगा, पर क्लेरिटी बहुत कम जगह से मिलेगी। तो मैं जो ये अल्टीमेट गाइड के वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैंने फोकस रखा है कि माइंड में क्लेरिटी ज़्यादा, ऑप्शन के जो मेजर कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में कैसे क्लियर हो। ठीक है, तो मैं उस तरीके से समझाऊंगा। वोलाटिलिटी की हम बात करते हैं तो आपका मैं जो वोलाटिलिटी का कंसेप्ट है वो आपके माइंड में मैं बिठा दूंगा। ध्यान हमें ये रखना है कि वोलाटिलिटी बायर को भी अफेक्ट करती है, सेलर को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, अब कोई बंदा हो जिसका स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना नहीं हो, या तो वो बेचारा ऑप्शंस के अभी कंसेप्ट स्टडी कर रहा हो या तो स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसको मैं बहुत नॉन टेक्निकल टर्म में वोलाटिलिटी, मतलब जिस तरह से ये ऊपर नीचे रास्ता जा रहा है, ठीक है, जिस तरह से ये स्विंग हो रहा है, तो उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं। बस इसको आप समझ लो, वोलाटिलिटी मतलब कुछ नहीं, मूवमेंट, जो अप साइड डाउन साइड ऊपर नीचे जो मूवमेंट होती है उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स टर्म जैसे कई बार हम बोलने जाते हैं तो आम आदमी परेशान हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपनी लैंग्वेज में मूवमेंट बोल दो तो भी चलेगा। ऑप्शन की दुनिया को समझने के लिए हमें तीन चीजों की समझ बहुत जरूरी होनी चाहिए। जब बात आती है वोलाटिलिटी की, एक तो सिंपल वोलाटिलिटी का मतलब समझ लो, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी क्या होती है और इम्प्लाइड वोलाटिलिटी क्या होती है। जब आप ऑप्शन में ट्रेड लोगे तो आप हमेशा आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को ही आप छुओगे या तो उसके बारे में सोचोगे, बाकी दो के बारे में ज़्यादातर आप सोचोगे नहीं और कहीं भी बात भी नहीं करोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आईटीसी का स्टॉक हो 200 रुपये, तो वो आईटीसी का स्टॉक कहीं तो मूव होगा एक महीने में, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, पर मूवमेंट तो देगा वो, या तो एक साल की बात कर लो या तो डाउन जाएगा या तो अप जाएगा, उसको मूवमेंट बोलते हैं, उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं। अब जैसे रिलायंस का स्टॉक शायद 2000 रुपये चलता हो तो उसका मूवमेंट होगा, राइट, कुछ, और निफ्टी अगर 10000 चल रहा हो तो उसका मूवमेंट होगा। ये तो समझ में आ गया, पर मैं ये समझाना नहीं चाहता था, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आईटीसी का मूवमेंट रिलायंस से अलग हो, यस और नो, और निफ्टी का मूवमेंट दोनों से अलग हो। ये तो कोई बच्चे को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई आईटीसी का स्टॉक कहीं ना कहीं तो मूव होने वाला है, रिलायंस का स्टॉक कहीं ना कहीं मूव होने वाला है और निफ्टी कहीं ना कहीं तो मूव होने वाला है, तो उसको वोलाटिलिटी बोल दिया हमने। ओके, आईटीसी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आईटीसी इज वोलाटिलिटी। बट आपको ये नहीं लगता कि हर एक स्टॉक, हर एक जो ये इंडेक्स होता है उसकी वोलाटिलिटी शायद अलग हो सकती है, क्योंकि आईटीसी का बिजनेस अलग है, उसकी इंडस्ट्री अलग है, रिलायंस कोई अलग जोन में है, निफ्टी तो पूरा इंडेक्स है, पूरा 50 स्टॉक का एवरेज निकाल के किया गया एक इंडेक्स है, तो हो सकता है आईटीसी का वोलाटिलिटी कुछ और हो। तो जब मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करूं आईटीसी में, तो हो सकता है मेरी जो स्ट्रेटेजी, मेरा ट्रेड में थोड़ा अलग तरीके से लूं, और जब मैं निफ्टी में ट्रेड करूं तो मैं थोड़ा अलग तरीके से लूं। क्यों? क्योंकि वोलाटिलिटी दोनों की शायद अलग नहीं हो सकती जिस तरह से मूव हो रहा है वो। बस इसीलिए वोलाटिलिटी नाम का कंसेप्ट ध्यान में आता है, क्योंकि निफ्टी जैसे मूव होगा जरूरी नहीं है आईटीसी ऐसे ही मूव हो, जरूरी नहीं जुबिलेंट फूडवर्क्स ऐसे ही मूव हो, जरूरी नहीं है डीमार्ट ऐसे ही मूव हो, जरूरी नहीं है कि आईसीआईसी बैंक का मूवमेंट वैसा ही हो, हर एक स्टॉक का स्विंगिंग अप्स एंड डाउन अलग अलग है। बस इसलिए जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा एक मिनट निकल के वोलाटिलिटी की भी नजर डाल लेनी चाहिए। बस वही एक माइंड में आपको क्लियरिटी में डालना चाहता था। अब कोई पूछेगा कि सर ये मूवमेंट होती है, वोलाटिलिटी होती है तो क्यों होती है? डिमांड की वजह से हो सकती है, सप्लाई की वजह से हो सकती है, स्टॉक में कोई न्यूज आ गया, कंपनी में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, बस इसलिए वोलाटिलिटी आती है। अभी तक माइंड क्लियर करने के लिए इतना समझ लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन की दुनिया में आते हो तो अगर आप बायर हो तो प्रीमियम पे करोगे, राइट, और सेलर हो तो प्रीमियम रिसीव करोगे, और कहीं ना कहीं ये जो प्रीमियम अप एंड डाउन होगा उस वो वोलाटिलिटी की वजह से होगा। इसलिए
वोलेटिलिटी को समझना जरूरी है। किसी को मन में क्वेश्चन उठता होगा ना, भाई क्यों हम समझे वोलेटिलिटी? तो देखो, आप बायर हो तो प्रीमियम पे करोगे, सेलर हो तो प्रीमियम रिसीव करोगे, राइट? और कई बार कॉम्बिनेशन करके स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम की प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो मैंने यहाँ पे एक रीजन भी बता दिया कि क्यों ऐसा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि रिलायंस कैश मार्केट में स्पॉट प्राइस पे चल रहा हो 2000 रुपये में, और कोई हम स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, लेट से कि मैं एज ए बायर कुछ बुलिश हूँ तो मैं 2100 की स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ, उसका प्रीमियम मुझे मिला 30 रुपीज। ऑप्शन की दुनिया में लॉट होते हैं, अगर एक लॉट लूंगा तो मेरे को 3000 जितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये जो 30 रुपए हैं वो वोलेटिलिटी की वजह से ऊपर नीचे जा सकते हैं, और उसमें ही प्रॉफिट और लॉस होता है स्टॉक मार्केट में। कैश मार्केट में जाते हो तो रिलायंस का प्राइस जो 2000 है उसके ऊपर आप खेलते हो, यहां पे आते हो तो पूरा गेम होता है प्रीमियम के। तो किसी को अगर क्वेश्चन हो रहा हो कि सर वोलेटिलिटी की बात समझ में आ गई, प्रीमियम पे उसका असर होता है, पर एग्जैक्ट एग्जाम्पल दो, तो वो भी मैंने दे दिया, ठीक है? इसलिए वोलेटिलिटी समझना जरूरी है। दूसरा कि ये सब क्यों होता है, थोड़ा और डिटेल में हम जाने। तो जैसे कि रिलायंस की स्पॉट प्राइस अगर 2000 है और उसकी जो स्ट्राइक है वो 2100 पे है कोई स्टॉक, वैसे तो काफ़ी सारी स्ट्राइक होगी, राइट? 2000 पे होगी, 1950 पे होगी, 2150 पे होगी, अलग अलग प्रीमियम होगा। तो आपको नहीं लगता कि आप अकेले थोड़े होंगे कॉल और पुट की एंट्रीज डालने वाले मार्केट में? आपके जैसे हजारों बायर और सेलर नहीं होंगे? तो वो जो डिमांड एंड सप्लायर क्रिएट करते हैं उसकी वजह से वोलाटिलिटी होती है, समझ रहे हो? तो ये सब कुछ मिला के जब मार्केट चालू होता है, मार्केट में ये गेम चालू होती है, तो ये सब मिलजुल के वोलाटिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। जितना भी बायर्स और सेलर्स के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रख के भी वोलाटिलिटी अफेक्ट होती है। एक और मैंने डीप रीजन आपको बता दिया। दूसरा, कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू भी वोलेटिलिटी पे इंपैक्ट डालती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे लिख लेना चाहिए था, यहाँ पे मैंने लिखाने में भूल गया तो अच्छा होता, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि कोई एक आप ऑप्शन ट्रेड में एंटर हो रहे हो जिसको अभी 25 दिन बाकी है, उसकी वोलेटिलिटी देखो, और कोई ऑप्शन ट्रेड में अभी सिर्फ लास्ट 3 दिन बच गए हैं, तो आपको आपको नहीं लगता कि शायद वहां पे फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है, समझ रहे हो? तो कई बार कोई रिजल्ट आने वाला है तो भी ये वोलेटिलिटी को ऊपर नीचे कर देता है। तो टाइम के साथ बहुत कनेक्शन होता है वोलेटिलिटी का, तो वो भी आप ध्यान रखना कि जब हम एंट्री करते हैं तो भी वोलेटिलिटी का ध्यान रखता है। एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी आप करोगे, जो भी एक्टिविटी बाइंग और सेलिंग, उसका कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी पे इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है? सिंपल वोलेटिलिटी हमने समझ ली, अब समझते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। तो बहुत सिंपल है, स्कूल में भी हमने स्टडी किया था। अब हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बेसिकली हमें क्या बताती है कि स्पीड बताती है, स्पीड एट विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी हैज मूव्ड। मतलब जैसे कि रिलायंस की मैं स्टडी करूं तो मैं पिछले एक साल की स्टडी करूं तो मुझे शायद ये जानने को मिलेगा कि पिछले एक साल का एवरेज ले लेके, डेली एवरेज ले लेके, वीकली एवरेज ले लेके, मैं एनुअल एवरेज निकालूं मैं उसका, तो शायद वो फॉर एग्जाम्पल 22% आता हो। तो मैं बोल सकता हूं कि एनुअल एवरेज वोलेटिलिटी ऑफ रिलायंस इज 22%। उतनी उसमें मूवमेंट है, अपसाइड डाउनसाइड जो भी आपको गिनना हो गिन लो। तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हमें बताया कि कितना मूव हुआ, ठीक है? बस इतना ही हमें जानना था। एक एग्जांपल, हो सकता है कि इंफोसिस का स्टॉक एनालाइज करो तो लास्ट ईयर में 20% उसकी वोलेटिलिटी जानने को मिले। पर अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करूं कि ओके ठीक है, आप मुझे बताओ कि इंफोसिस को लास्ट 3 मंथ में वोलेटिलिटी क्या है, तो 70% आई। देखा, यह तो एक साल का एवरेज है, ये 3 महीने का एवरेज है। तो ऐसा क्यों हो गया? तो हो सकता है इंफोसिस ने कोई बड़ी डील अनाउंस की हो, कोई उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो, या तो कोई नेगेटिव न्यूज भी आई हो, और या तो उसका रिजल्ट आया, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आया हो। पर मुझे ये पता चला कि इंफोसिस का अगर लास्ट एक साल में एवरेज वोलेटिलिटी 20 थी और लास्ट 3 महीने में 70% है, मतलब कहीं ना कहीं लास्ट 3 महीने में कुछ बड़ा हुआ है,
कुछ तो एक्टिविटी हुई है, ठीक है, तो ये पता चलता है हमको कि क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन की दुनिया में हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी रियल टाइम नहीं होती, रियल टाइम थोड़ी होती, होते हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, कल की देखो, एक महीने की देखो, छः महीने की देखो, तो उससे तो क्या फ़ायदा होगा, और ज़्यादातर इसका कोई यूज़ नहीं होता, पर माइंड में कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हमें ऑप्शन की दुनिया में चाहिए आई वी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। अब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी से अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही है तो उसका सीधा मीनिंग है कि वो एक रियल टाइम वोलाटिलिटी है, रियल टाइम वोलाटिलिटी है, और वो एक फॉरवर्ड लुकिंग वोलाटिलिटी है। जो हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी वो पीछे देखती है, ये आगे देखती, तो और वो एक ऑप्शन का एक मैथमेटिकल मॉडल है, उसके थ्रू काफ़ी सारे ये कैलकुलेशन होता है, पर मुझे वो सब में नहीं जाना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या हमारे काम आ सकती है। तो कोई अगर पूछ ले कि भाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब वो हमारी काम की चीज़ है, वो अभी लाइव मार्केट में जो चेंजेस हो रहा है प्रीमियम के प्राइजिस में, जो डिमांड सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है सब रेट, उसको मेजर कर लेती है, ठीक है, और वो फॉरवर्ड लिख, थोड़ा सा उसमें ये स्पेकुलेशन भी इन्वॉल्व होता है कि प्राइस कितनी मूव करेगी, थोड़ा वो भी होता है, ठीक है, तो वो समझ लिया। अभी कई बार इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, अचानक बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कुछ बहुत ही बड़ा रीसेंट स्टॉक मार्केट, अभी आप जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हो या तो देख रहे हो, अचानक कोई न्यूज आ गया तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बूम, ठीक है, उस तरीके का ऊपर नीचे जा सकती है। कई बार आप जैसे जैसे ऑप्शन में आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि अगर आप वोलेटिलिटी पे ज्यादा स्टडी करोगे तो कई बार वोलाटिलिटी में इतने चेंजेस आएंगे कि उसके ऊपर से आप दूसरे डिसीजन ले सकोगे। कई बार कोई अच्छे एक्सपर्ट होते हैं या तो एक अच्छा ट्रेडर होता है, तो वो वोलाटिलिटी में कुछ बहुत बड़े चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर से वो बोल देता है कि बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है या तो बहुत बड़ा बाउंस आने वाला है, क्योंकि जो डिमांड, जैसे कि ट्रेडर अलग अलग पोजिशन लेते हैं ना, तो उसका इम्पेक्ट वोलाटिलिटी पर पड़ जाता है, तो वहां पे बता देते हैं अच्छा कुछ गेम चल रही है, ठीक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कॉल साइड भी होती है, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और पुट के कॉन्ट्रैक्ट के साइड भी होती है वोलेटिलिटी, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने निफ्टी का यहाँ पे देख लिया है, आई होप कि ये थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, मैं उसको थोड़ा अगर जूम होता है तो कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि निफ्टी 10,000 के आसपास चल रहा है, मतलब यहाँ पे चल रहा है, और ये निफ्टी की ऑप्शंस चेन है, ऑप्शन चेन, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉल से, राइट हैंड साइड पुट से। तो अगर आप कॉल की साइड देखो तो ये रहा आईवी का कॉलम, ये वाला, ये कॉलम आईवी वाला है, आईवी, ठीक है। तो 11,100 के आसपास अभी इंप्लाइड वोलेटिलिटी 19.30 चल रही है, तो मतलब ये है कि इसमें जो प्रीमियम है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 19-20% की वोलेटिलिटी है, और वो वोलेटिलिटी इम्प्लाइड है, मतलब ये तो रियल मार्केट में जो डिमांड सप्लाई से ये कॉन्ट्रैक्ट रेडी हुआ है उसको भी काउंटर कर लिया है, और कुछ चीज़ फ्यूचर के भी काउंटर कर लिए। हालांकि ये 100% सही नहीं होता, पर जो रियल मार्केट में जो चेंजेस है उसको मिला के, उसका कैलकुलेशन करके ये बताया है। तो कई बार क्या होगा कि लेट से के बोल दिया ये 19% है, अब हो सकता है कि अचानक कोई ग्लोबल न्यूज आ गई तो ये 90 का 70 भी हो सकता है, ये किसको क्या पता, बट नॉर्मल सिचुएशन में ये इतना है। अब जैसे जैसे निफ्टी के ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट देखो कि भाई अभी 11,000 चल रहा हो तो 11,500 में सीधा 23% वाली क्वांटिटी है, 23 वाली आ गई आईवी, उससे जाओ तो 11,800 में 35 वाली आईवी आ गई, जैसे जैसे बढ़े इतनी वोलेटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। और अगर इस साइड जाओ कॉल में तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोलेटिलिटी 19 के आसपास रहती है। उसी तरह पुट्स में देख लो कि पुट्स की वोलेटिलिटी देखो, यहाँ से शुरू करते हैं तो निफ्टी जैसे 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 नीचे जाता है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, निफ्टी वैसे वैसे ऊपर जाता है तो देखो अलग अलग वोलेटिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो वोलेटिलिटी की दुनिया भी बहुत बड़ी है। देखो ऐसा नहीं है कि पैसा बनाने के लिए मुझे वोलेटिलिटी में मास्टर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पर ट्रेडिंग की और ऑप्शन की दुनिया ऐसी है, वैसी होती है कि अगर पैशन हो, इच्छा हो, तो आप काफ़ी सारे इसको एक्सप्लोर कर सकते हो।
मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि शुरुआती शुरुआती हेल्प जिसको बोलते हैं कि भाई कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बंदा बहुत आगे बढ़ सकता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं तो बेचारा क्या सोचेगा, राइट? तो बस वही सिखाना था मुझे। कई बार वोलेटिलिटी नॉर्मल जाती है और अचानक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कि भाई यहाँ पे 30 वोलेटिलिटी थी 5 हो गई, तो उसको वोलेटिलिटी क्रंच बोलते हैं, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, अगर वोलेटिलिटी के ऊपर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो या तो उसको देख के आप लेते हो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट या तो कॉल या पुट आप बाई करो जब आपको ऐसा लगे कि भाई ये वोलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है, और कॉन्ट्रैक्ट सेल करो जब आपको लगे कि वोलेटिलिटी फॉल होने वाली है, क्योंकि टाइम डिके के साथ सेलर को उसका बेनिफिट मिलता है, बायर को जब बेनिफिट मिलता है जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तब। तो एक बहुत सिंपल चीज मैंने बता दी, बाकी तो बहुत सारा इसमें होता है पर मैंने एक सिंपल कंक्लूजन इसमें आपको बताया। दूसरा कि ऑब्जर्वेशन के व्यू पॉइंट से देखो कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड एक्सपीरियंस करता है, नीचे जाता है, तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट की, निफ्टी की खुद की, और मार्केट अप जाता है तो वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब किसी को ऐसा होगा कि ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि जब मार्केट डाउन जा रहा हो तो लोग उसको रिस्क बोलते हैं, पैनिक, तो बहुत सारे मार्केट में चेंजेस होने लगते हैं, इसकी वजह से जब मार्केट नीचे जाता है तब जनरली वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलाइज नहीं रहती, मैं उसको आईसीयू में डाला होता है ना, उस तरीके का फ्लक्चुएशन होने लगता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वोलेटिलिटी धीरे धीरे स्टेबिलाइज टू फॉल आउट होती है, ऐसा देखा गया है जनरली, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस में मास्टर होना है, बहुत अच्छी तरह से इनकम कमानी है, जिन लोगों को और ज़्यादा सीखना है और डायरेक्ट स्ट्रेटेजी लेके इम्प्लीमेंट कर देनी है, उनके लिए मैंने बनाया पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 डिज़ाइन किया है। लेवल 1 में पूरा आपको बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से मैंने वीडियो कोर्स बनाया, घर बैठे ऑफिस में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो 20-22 वीडियो का। एक बार सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो लेवल 2 में डायरेक्ट रेडी में स्ट्रेटेजी मिलेगी स्टॉक्स की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। जब भी आपको क्वेरी होगी तो लेवल 3 में आपको व्हाट्सएप या तो ईमेल के साथ सपोर्ट दिया जाएगा। गूगल में ऐसा सर्च करो पैसा तो बनेगा optionschool.com, तो मैंने वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल भी दे दी और लेवल 1 लेवल 2 का एक्सेस भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हो। कभी भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप करो इस नंबर पे, या तो ईमेल कर दो तो मैं आपकी गाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो में यहीं तक रखते हैं।